इस मॉड्यूल में हम फाइलम इकाइनोडर्म्स और उनका दूसरे एनिमल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे मोस्टली जोलॉजिस्ट दे बिलीव डेट इकाइनोडर्म्स दे हैव सिमिलर अंसेस्ट्री विद हेमिकॉर्डेट्स कॉर्डेट्स बिकॉज ड्यूटी के अंदर मुख्तफ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन सब के साथ शेयर करते हैं दैट इज इसका मेन करैक्टर क्या है कि एनस इज डेवलप्स फ्राम द रीजन ऑफ द ब्लास्टोपोर और सिलोम जो है दैट फॉर्म्स फ्राम आउट पॉकेट्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट और वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जो हैं दे आर एक्सेप्शन फ्राम दिस इसके अलावा जो एकनोडम्स में इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसके अंदर रेडियल इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होगी अनफॉर्चुनेटली कोई भी फसल का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है या फसल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसकी कॉमन एंसेस्ट्री को इस किसी भी फाइला के साथ डेमानस्ट्रेट नहीं कर सकते लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो डिटीरियो स्टोम का लिनियज है दैट माइट है फ्राम द एनसेस्ट्रल डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टॉक फिर एकाइनोडम्स अभी हमने देखा है कि इनके अडल्ट के अंदर जो समिट्री है उसको हम कहते हैं रेडियल सिमिस्ट्री तो जोलोजिस्ट जो है वो ये कह सकते हैं या उनकी आफ्टर रिसर्च दे बिलीव दैट दीज एक्काइनोडम्स हैविंग रेडियल सिमिट्री माइट हैव बीन एवॉल्व फ्राम दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बायोलेटरल समिट्री इन्सेस्टर के इनके एनसेस्टर्स की हो सकता है कि बायोलेट्रल समिट्री थी और उससे फिर इनमें एवोल्यूशन के दौरान रेडियल सिमेट्री आ गई हो अब इस किस्म का जो एविडेंस है वो हमें ये बताता है कि मुख्तलिडर्म्स के अंदर इनके लार्वल स्टेजेस के अंदर बायलैटरल सिमेट्री है लेकिन जैसे ही ये एनिमल्स अडल्ट स्टेजेस में आते हैं तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री आ जाती है इस डायग्राम से हम इनका जो इकाइनोडर्म का रिलेशनशिप है दूसरे एनिमल्स के साथ उसको डिस्कस कर लेते हैं अब काइनोडम्स के इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम मेड्रीपोराइट पेंटा रेडियलिस्ट्री ओपन एम्बुलेक्रल ग्रोव्स अब ये सारे वो करेक्टर्स हैं जो हमें किसी भी और फाइलम के अंदर नजर नहीं आते लेक, और लेकिन इसकी मुख्तलिफ क्लासेस जो हैंनोडर्म्स की लाइक हॉलिथुरडिया एकडिया ऑफिजूराइडिया Asteroidea, crinoidea, they are all linked to one ancestral stage because they all share these common features like elongation of body on oral, aboral axis, reduction of skeletal plates into ossicles, fusion of skeletal plates into a rigid test, extension of ambulacral grooves alongside of body, loss of suckers on tube feet. क्लोज एम्बुलेक्रल ग्रूप्स फाइव रेज ब्रॉडली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिस्ट क्यूब फीट विद सकर्स एंड यूज इन लोकोमोशन औरल सर्फेस ओरिएंटेड टू सबस्ट्रेट लाइक अकाइनोडम्स की बॉडी को हम ओरल एब औरल दोनों सरफेस में डिवाइड करते हैं फिर इसके अंदर आर्म्स हैं आर्म्स आर प्रोवाइडेड विद सीलिएटेड ग्रूफ्स फॉर सस्पेंशन फीडिंग अब एब औरल सर्फेस जो है दैट इज अटैच टू दबस्ट्रेट एम्बुलेक्रल ग्रूफ ओपन है पेंटा रेडियलिट्री है तो इसका किसी और एनिमल के साथ रिलेशनशिप नहीं बनता बल्कि जितनी भी इसकी क्लासेस हैं काइनोडर्म्स की दे आर ऑल कोनेक्टेड एंड दे आर हैविंग ऑल दीज फीचर्स सिमिलर